तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8th लेक्चर है, ठीक है। 7th लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले देख लिए थे कि क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, और उन फॉर्मूलों पर मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कराया था कि पॉइंट चार्ज है तो फॉर्मूले कैसे यूज करना है अपने को और उनका वेरिएशन कैसा आने वाला है। अगर लाइन चार्ज है तो सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का सारी बातें हमने कर रखी थी, क्लियर। आज हम लोग क्या करेंगे, वो जितने भी फॉर्मूले पढ़े उन सब के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई वर्सेज आर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्ज से, है ना। पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलिए उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है KQ/R2। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ई जो है आर स्क्वायर के साथ क्या इनवर्स रिलेशन में दिख रहा है, यहां पे जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये टच नहीं करेगा इस वाली लाइन को कहीं पर भी, है ना, क्योंकि अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी तो टेंड करेगा तो ई किसको टेंड करेगा, जीरो को, इस वाले एक्सिस पे आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर कौन है आर। आप आर बढ़ाओगे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्लियर। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर आर का वैल्यू घटाओगे, इसे पॉइंट चार्ज था, ये आर है, यहाँ पे आर के वैल्यू बहुत करीब ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो जो बहुत ज्यादा वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये पहला ग्राफ हो गया आपका पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये पहला हो गया। सेकेंड पे बात करते हैं, सेकेंड कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग, या सिर्फ लॉन्ग लिखो तो भी चलेगा, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड वाइज 2K λ/R, ये सब मैंने पहले बात कर लिया है, 2K λ/R, वेयर लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप देख रहे हो आर जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, यूनिवर्स रिलेशन में आ रहा है, इसके लिए जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस पे, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इस एक्स एक्सिस पे कौन है, आर है, ठीक है, क्लियर। तो ये, और इसमें एक और चीज मैंने बताई थी आपको कि लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, हमेशा नॉर्मली बाहरी तरफ या नॉर्मली अंदर की तरफ आएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर रहेगा, और नेगेटिवली चार्ज है तो अंदर की तरफ आएगा, इधर, क्लियर है क्या, क्लियर, ठीक है। तो थर्ड बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू σ/2ε0 मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, ठीक। अच्छा, अब ये जो पूरी चीज है इसमें डिस्टेंस कहीं भी टर्म आता ही नहीं है, मतलब ये क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू देगा अपने को, सही है। तो ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा ई वर्सेस आर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, आर का वैल्यू कुछ भी हो ये बदलने वाला नहीं है, सही है। और यहां पर वैल्यू कितना देगा, ये σ/2ε0, सही है। चलिए फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। तो जो हॉलो स्फीयर है वहां पर चार्ज कहां पर आएगा, सिर्फ बाहर आएगा, सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सारे पॉइंट्स पे, उधर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बाद में बात करेंगे उसकी। अभी तो ये जानना है कि अंदर वाले सारे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, जीरो, और बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करता है, वो पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। पॉइंट चार्ज की बात हमने पहले कर लिया है, वो कैसा था, आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां तक, अगर ये आर इज इक्वल टू आर ए, है ना, और इसके बाद जो रीजन आएगा वो आर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर होगा, मतलब बाहर वाले पॉइंट जाएंगे इसके बाद, और इसके पहले के अंदर वाले पॉइंट जाएंगे, तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। और जैसे आप आर रखोगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रखोगे, वैसे वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, यहां पे K Q / R square, इसके बाद क्या होगा, वो
पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज कहां पर रखा है, मानो कि उसके सेंटर पे, कुछ इस तरीके का बताया भी था मैंने आपको। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हर पॉइंट पे, जीरो, और बाहर वाले पॉइंट पर कैसा बिहेव करता है, ये पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो उस लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि नॉन कंडक्टिंग से मतलब क्या है, कि अगर हमने कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, तो जो भी चार्ज अंदर रहता वो सब फ्लो होके बाहर आ जाता, तो हॉलो का ही काम करता वो, सही है ना। तो हमें क्या लेना पड़ गया, नॉन कंडक्टिंग, ताकि जो भी चार्ज अंदर था वो अंदर ही प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो उसकी वजह से कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दो रीजन में डिवाइड किया था, एक आर लेस देन आर और एक आर ग्रेटर देन आर। ये इनसाइड वाला पॉइंट था और एक कौन सा था, आउटसाइड वाला पॉइंट था। तो मैंने आपको बताया कि आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करता है, वो पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज कहां पर रखा है, अज्यूम करोगे आप उसके सेंटर पे। तो जो बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया था, है ना, वो कितना आया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और आर कहां से डिस्टेंस था, उसके सेंटर से डिस्टेंस था। मैं डायग्राम बनाता हूं पहले, इधर देखिए। ठीक है, ये इसके अंदर हर पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, है ना। अगर मुझे इस पॉइंट में निकालना है, इसका डिस्टेंस आर है, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड आएगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इनवर्ड आता रेडियली, सही है। और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, अगर आर मैं यहां पर रखता हूं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, ये क्यू का टोटल चार्ज था उस पर, आप उसको निकाल सकते हो, रो अगर अपने को दे रखा तो मैं क्यू निकाल सकता हूं, अगर रो को मैं इसके पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने बात कर लिया था। अब इसमें हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ वर्सेस आर। यहां पर एक पॉइंट आएगा जहां पर आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। तो आप एक चीज देखो, यहां से अंदर वाले पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, इनवर्स रिलेशन में कर रहा है और वी स्क्वायर के साथ, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, जैसे पॉइंट चार्ज का ग्राफ आया था ऐसे आएगा। ठीक है, ये अंदर वाले पॉइंट्स के स्ट्रेट लाइन, इधर कैसा आएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन देगा अपने को। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगा, उसके सरफेस से मिलेगा। और कब मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह रख दूं, कैपिटल आर रख दूं, तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। या फिर इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह कैपिटल आर रख दूं, तो रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बात बराबर है, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी जस्ट सफिशियंट टू बैलेंस द वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकुलम एंड मास 10 मिलीग्राम। एक ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज दे रखा है आपने को और उसका वेट, उसका मास दे रखा 10 मिलीग्राम, आपसे बोला गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो ताकि जस्ट बैलेंस हो जाए। किसको बैलेंस करना है, वेट को, है ना। तो सपोज हमने एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रख दिया स्पेस में, अब एक बात तो पता है कि जो चार्ज पार्टिकल अगर उस पर मास दे रखा अपने को m, तो mg कहां रहेगा, नीचे रहेगा उसका वेट। ठीक है, अब इस mg को बैलेंस करना है तो ऊपर की ओर एक दूसरा फोर्स आना चाहिए, और वो फोर्स उसके चार्ज की वजह से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, हमने उसको F ही बोल दिया। अगर इस मास को, इस पार्टिकल को अगर बैलेंस करना है, एक चीज तो तय है कि एफ ई का जो मैग्नीट्यूड है वो एम जी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सही है ना। ये वेट था, वेट का आपका मैग्नीट्यूड, सही है। ये जब ये होगा तभी क्या करेगा, ये पॉइंट बैलेंस कर पाएगा, इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, चूंकि ये माइनस चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होना चाहिए ताकि फोर्स ऊपर लगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हो
तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स मालूम था कि नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन मालूम चल गया, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे, उस पर लगने वाला फोर्स मालूम चल जाएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। सही है ना, तो यहां पर रख दीजिए क्यू इंटू ई बराबर एम जी, ई बराबर क्या आएगा एम जी अपॉन क्यू, एम कितना था 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10^-3, जी का वैल्यू मान लीजिए 10 है ना, अपॉन क्यू कितना है माइनस, तो मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, तो 10 और माइक्रो है 10^-6 माइनस 6। तो सॉल्व करते हैं, एक 10 से एक 10 चला गया, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10^+6 जाएगा इंटू 10^-3 इंटू 10। ठीक है, ओके, तो कितना आएगा देखिए 10^3 और ये 10^4 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पहले पढ़ते हम लोग, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे कंसेप्ट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 1 मीटर, 2 मीटर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज -2 माइक्रो कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट बी। तो क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट बी पर एक चार्ज रखा गया जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और उस पर नेगेटिव साइन है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या मतलब वैल्यू निकालना अपने को ए पर। ठीक है, तो कैसे किया जाए देखिए, जैसे अगर आप सोचो कि ये जो क्वेश्चन हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला क्या सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज था। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करना पड़ता अपने को, बस मैं ये आर का वैल्यू निकाल लूं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 मानता हूं, ये ओरिजिन है, ठीक है, तो जो एक पॉइंट ए है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा ए का, उसे मैं आर ए बोलूं अगर, है ना, तो आर ए कितना निकल के आएगा 0i कैप + j कैप + 2k कैप, ये आर ए निकल के आया, मतलब इसका क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, अब बी की बात करते हैं, बी वाला पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना आएगा, देखो √2i कैप 0j कैप + k कैप 1k कैप या k कैप। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास j + 2k कैप, और ये हो गया हमारे पास √2i कैप + k कैप। ठीक है, अब जो दो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा अपने को, अब एक चीज देख लेता हूं मैं, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, और ये कहीं z एक्सिस है, इधर कहीं ये बाहर आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन ऐसे बनाना मुश्किल है तो ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, पहला जो पॉइंट था हमारे पास ए, ये क्या था, इसका x कोऑर्डिनेट 0 था, ये 1 और 2, ये y z प्लेन में है, मतलब कुछ इस वाले प्लेन में होंगे ये। ठीक है, और कहां पर होंगे, y में 1 यूनिट जाएगा और z में जाएगा कितना, ये 2 यूनिट, है ना, 1 2, क्लियर है, तो ये यहां कहीं पर आएगा ये। ठीक है, तो ये a हो गया। ऐसे अगर b की बात करूं मैं, b कितना था, √2 x में है और z में, ठीक है, तो इस वाले प्लेन में कहीं पर आएगा ये। ठीक, x में कितना चल रहा है √2, मान लो √2 यहां कहीं होता ये, और z में कितना चला 1, तो ये 1 था, यहां कहीं आएगा पॉइंट b। ठीक है, क्लियर, अच्छा, और चार्ज कहां रखा हमने, b पर रखा है, तो ये चार्ज हमारे पास रखा था माइनस क्यू वाला, ये जो दिख रहा अपने को, ये यही आपका क्या है, आर है, ये आर, यही आर है आपका, ठीक, ये वाला डिस्टेंस। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा इस पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से ए पर, उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, पॉइंट चार्ज अगर ये पॉजिटिव होता तब तो इस लाइन के बाहर होता, लेकिन नेगेटिव है तो इस लाइन की तरफ, अपनी तरफ खींचेगा वो,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू बी, सही है, क्लियर। और मैग्नेटोगेशन क्या लोगे आप, मैग्नेटोगेशन क्या लोग भाई, आरबी माइनस आर ए का मैग्नेट्यूड निकालना अपने को, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, आरबी माइनस आर ए करेंगे तो रूट टू, तो रूट टू आई कैप, ठीक। जे में इधर कुछ नहीं था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जे कैप, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, ठीक। ये क्या आया हमारे पास, आरबी माइनस आर ए आया, और तो इनका मैग्नेट्यूड निकालोगे आप तो आरबी माइनस आर ए का मैग्नेट्यूड कैसे आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर टू, कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर वन, कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर वन का अंडर रूट, ये क्या आ गया हमारे पास, टू प्लस टू फोर, आंसर आया टू। तो इस फॉर्मूले में हमें आर की जगह क्या पुट करना है, टू पुट करना है, तो जो ई का मैग्नेट्यूड निकल के आएगा, के का वैल्यू कितना है, नाइन इंटू टेन पावर नाइन, और ये कितना था क्यू, ट्वेंटी माइक्रो कूलम था, तो ट्वेंटी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स डिवाइड बाई आर कितना था, टू स्क्वायर, आर कितना निकल गया हमारे पास, टू, टू का स्क्वायर फोर, तो फोर से फाइव टाइम्स गया, नाइन फाइव, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव इंटू टेन रेस पावर प्लस थ्री न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है पहले देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन इट ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है, एक्सिस पे रखा गया और सेंटर उसका डिस्टेंस एक्स है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर, क्लियर है क्या। तो ये क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन ड्रॉ करते हैं और फिर क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन हटाता हूं, ये रिंग है सपोज, ठीक, ये इसका एक्सिस है, क्लियर, और रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक, और ये Q का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है रिंग, ये इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल यहां पर रख दिया गया, ठीक, और इसका अपना रेडियस कितना था, r, क्लियर। तो बोलता है कि जब इसको यहां से रिलीज करेंगे, क्लियर, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑसिलेशन क्यों कर रहा है भाई, है ना। चलिए देखिए, तो ये चार्ज पार्टिकल रखा गया है, चार्ज पार्टिकल पर पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालने के लिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालने के लिए आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना जरूरी है, ठीक। आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इसकी वजह से निकालोगे, तो इसकी वजह से, रिंग की वजह से, किसी एक्स डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, KQX upon X square plus R square power 3 by 2, मैं लिखता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले पॉइंट पर, मैं P बोल देता हूं इस पॉइंट P पे, वो आएगा K Q X upon H square plus R square की पावर 3 by 2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगा, बाहर तरफ आएगा ऐसे along the axis, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स इधर लग रहा है इस पे, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर था, शिफ्ट आपने ऊपर किया इसको, जबकि फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया एक तरीके से, ये छोड़ते कहां भागेगा, नीचे। और जैसे इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर, यहां पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, मतलब ये वाला पोजिशन कौन सा होगा, उसका मीन पोजिशन, और यहां पर स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा उसका, और उसके बाद जैसे नीचे भागेगा, क्योंकि यहां पे इनर्शिया की वजह से नीचे भागेगा ये, क्योंकि यहां पे स्पीड जीरो नहीं था, मैक्सिमम था, तो फिर नीचे भागेगा ऐसे 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 ऐसे, और जब इस वाले नीचे क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन का, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा होगा लेकिन फोर्स कहां लग रहा, ऊपर लग रहा होगा, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ऐसे ऐसे, सही है ना, ओके। और उस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैं फोर्स लिखता हूं, फोर्स इस वाले पोजिशन पे, फोर्स क्यू इंटू ई होता है, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है इसलिए मैं अभी यहां डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा। क्यू का वैल्यू क्यू ही है, ई का वैल्यू कितना है, K
KQX अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया ये। अब उसमें एक चीज बोला था क्वेश्चन में कि X का वैल्यू जो है R से बहुत ही छोटा है ना, X लेस लेस देन R। तो इस पूरे एक्सप्रेशन आप नीचे देखोगे, अगर X बहुत छोटा है तो X स्क्वायर और भी छोटा आएगा, तो ये टर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं इसके रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या बचेगा, R की R स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब R क्यूब बचेगा, तो जो F आएगा वो आएगा K Q Q X अपॉन नीचे कितना आएगा R क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं माइनस साइन आगे लगा सकता हूं अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो, क्यों, क्योंकि देखो x कहां से था, x का डायरेक्शन की तरह ऊपर है, फोर्स कहां पे है, नीचे है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को और इस k को मैं क्या कर सकता हूं, 1/4πε0 लिख सकता हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं अलग से, k q q x अपॉन 4πε0r³ माइनस के साथ, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आया इसको मैं F is equal to minus kx SHM वाला constant से compare कराता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पूरी value दिख रही है, हाँ ये पूरी value, ये SHM constant के बराबर है, ठीक है। जब भी कोई भी body का जो force पर force जो है वो इस equation को govern करती है तो SHM करता है, ठीक है। और SHM का time period कितना आता है, 2π√m/SHM constant ks है ना, और केएस यहां पर कितना है, ये पूरी वैल्यू है, मैं उसको यहां पर रखता हूं, 2π√m/ks का वैल्यू कितना है, q कैपिटल q, ठीक है, डिवाइड बाय 4π, तो ऊपर चला जाएगा 4π εr³, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करना है किसके सेंटर पर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पता करना है, ठीक है। तो पहले मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आता है तीन मैंने बताए थे आपको डेंसिटीज, एक लीनियर चार्ज, एक सरफेस वाला और एक वॉल्यूमेट्रिक, है ना, लैम्डा सिग्मा रो, यहां पे लैम्डा आएगा, तो मैं लिखता हूं उधर, सपोज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा लैम्डा, ठीक है। अब हमें इसकी वजह से क्या करना है, इस वाले सेंटर पर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। हमने ये मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है ये रिंग जो है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए रिंग की वजह से, तो एक तो एक लाइन ऐसी खींचो जिसके अबाउट पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक दिखाई दे। तो ये जो लाइन दिख रही है y एक्सिस वाला, अगर मैं इसको x एक्सिस बोलूं और इसको y एक्सिस बोलूं मैं, तो y एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या करना पड़ता है, हमें एलिमेंट लेना पड़ता है ना, एलिमेंट लेते हैं हम लोग, एलिमेंट। तो एलिमेंट कैसे लेते हैं हम लोग, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं ना, ये तरीका होता है एलिमेंट मानने का। रिंग के केस में हमेशा ऐसे किया करो, सेंटर से अगर पता करना हो तो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, डी थीटा मतलब जो एलिमेंट लिया उसका उसका जो एंगुलर जो एंगुलर आपका लेंथ है ना, वो क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। और उस एंगुलर लेंथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उसका आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। देखिए तो हमने क्या किया, थीटा पे गए हम लोग और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया है ना, थीटा पे गए और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया ऐसे, ये एलिमेंट का जो एंगुलर विड्थ है वो डी थीटा, ये जो एंगल दिख रहा है ये कितना है, डी थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, सही है, सिमेट्रिकल लाइंस लिया हमने ये, ठीक है। अच्छा, ये जो दिख रहा हमें डी थीटा वाला, ये जो डी थीटा होता है बहुत छोटा एंगल, आप भले यहां पर बड़ा दिख रहा है बट है बहुत छोटा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दिख रहा हमें छोटा सा ये एलिमेंट, ये पॉइंट चार्ज पर बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो पहली बात तो इधर आएगा, और हमने उसको बोल दिया डीई, उसका मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया हमने, डीई, ठीक है। ऐसे अगर मैं देखूं थीटा पे इस साइड जाके मैं डी थीटा का अगर एक एलिमेंट लू मैं,
उसका उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे वो ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये दोनों एलिमेंट हमने पॉइंट साइज के मान रखे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डी है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों क्या करते हैं हम लोग, रिजोल्व करते हैं ना एक्स और वाई में। इसका अगर रिजोल्व करें हम लोग, इधर एक आएगा डी साइन थीटा और इसका इधर आएगा डी कॉस थीटा, इस वाले का। इसको रिजोल्व करते इधर कितना आएगा, डी साइन थीटा, और अगेन यहां पे कितना आएगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डी साइन थीटा क्या जाएगा, कैंसिल आउट जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां से, हमें क्या दिख रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पूरे, कोई भी एलिमेंट ले लूं मैं ऐसे, कोई नया पोजीशन पर थीटा वन पर मैं गया तो थीटा वन पे इधर चला जाके मैं ले लूंगा। अगेन उन दोनों का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो गए, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इधर मिलेगा, वर्टिकल वाले डायरेक्शन में मिलेगा, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेमी सर्कल रिंग है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, उसके एक्सिस इस वाले एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है, जिसके अबाउट में सिमेट्री मिली थी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब काम होता है यहां पर डी निकालना है। तो डी क्या था, डी क्या था, किसी भी एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो ये जो चार्ज दिखा हमें, ये एलिमेंटल चार्ज, इस पर हमने चार्ज मान लिया dq। dq कैसे निकालोगे आप, लैम्डा इनटू इस एलिमेंट का लेंथ, इसका जो एंगुलर विड्थ है वो d थीटा है, तो डिस्टेंस इसका लेंथ कितना हो जाएगा, r d थीटा हो जाएगा। तो ये dq निकल गया, तो ये क्या लिखोगे, d k dq अपॉन r स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस कितना r है, अगर इसका रेडियस r था तो, है ना। अच्छा, अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, k लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को उठा के मैं इधर चिपका देता हूं, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, कॉस थीटा डी थीटा, सही है। अब ये थीटा वेरिएबल, इसका हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। आप इसको अगर रेफरेंस माना है तो इसका ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है या ये वाला जो एलिमेंट मिलेगा वो प्लस पाई बाई टू पर मिलेगा, और ये वाला जो एलिमेंट मिलेगा वो माइनस पाई बाई टू पर मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको इनका सेंस ऑफ रोटेशन बदल गया, ऑपोजिट हो गया। तो लिमिट लगाओगे आप किधर से किधर तक, पाई बाई टू से या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सही है। तो के लैम्डा बाई आर साइन कॉस का होता है साइन थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, सही है। तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू साइन 91, इधर क्या जाएगा माइनस वन, ये माइनस आगे आगे क्या बन जाएगा प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, टू के लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया इस वाले पॉइंट पर, सेंटर पर, और उसका डायरेक्शन किधर है, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे होगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा, है ना। तो मैं अलग से कहीं पर दिखा देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं कि अगर ये ऐसा था, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, टू के लैम्डा बाई आर। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज होती, नेगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता इस डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू अगेन कितना होता मैग्नीट्यूड वाइज, टू के लैम्डा बाई आर। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कुलर आर्क जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उस सर्कुलर आर्क की वजह से पॉइंट ओ पर फील्ड का वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। मतलब एक जनरल केस हो जाएगा ये, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारे केस आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करते हम लोग, तो मैंने आपको बताया था जब भी सर्कुलर वाला केस आए आप एक सिमेट्रिक वाली लाइन खींचा करो जिसके अबाउट पर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक हो, ठीक है, और उससे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लो, ठीक। तो यहां पर दिख रहा है आपको कि ये जो लाइन दिख रही है अपने वाली लाइन, ये सिमेट्रिक लाइन है, ठीक। तो एक चीज तो मैं यहीं से आइडिया मिल गया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इधर आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस लाइन पर अवे आएगा, और अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिवली चार्ज, तो टूवर्ड्स दी रिंग आता है, ठीक है ना। अच्छा,
अब मैं प्रूफ करता हूं कि कितना आता है और ये घड़ी क्यों आएगा, देखते हैं हम लोग। तो मैंने आप बताया कि सिमेट्री वाली लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, ये डी थीटा वाला एलिमेंट है, ये थीटा एंगल है, क्लियर, और ये एंगल कितना है, ये जो एंगुलर विड्थ है ये डी थीटा है, कितना है ये डी थीटा। तो ये जो एलिमेंट मिला हमें इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लेके ये लेंथ आर डी थीटा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट, इसको डी क्यू बोला अगर मैंने, तो कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक। अच्छा दूसरा चीज कि ऐसे ही एक थीटा पे जाके डी थीटा का एक और एलिमेंट मैंने ले लिया, थीटा पे जाके इस वाली लाइन से डी थीटा का एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, ये डी थीटा है, अगेन ये एलिमेंट मिल गया हमने हमें। अच्छा इसका भी डिस्टेंस कितना आएगा, आर्क लेंथ आर डी थीटा के बराबर आएगा, उस पर भी चार्ज कितना आएगा, इतना ही आएगा लैम्डा आर डी थीटा। अब काम का करते हैं हम लोग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये एंगल थीटा था, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये डीई, ये डीई, पिछले वाले प्रॉब्लम ने ऐसे ही किया था। तो डी का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस वाले का, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा साइन वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा, इधर आएगा कॉस वाला कंपोनेंट, ऐसे इधर भी आएगा साइन वाला कंपोनेंट इस वाले का इसका, और इधर भी आएगा डी कॉस थीटा वाला। तो आप देखो जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबका कॉस वाला कंपोनेंट ऐड होगा, साइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिंपल क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, वो इंटीग्रेशन आएगा डी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा और ये जो आर्क लेंथ था, ये जो आर्क दिख रहा है आपको, इस सर्कल पे जो एंगल बना रहा है, सॉरी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 2 अल्फा है, कितना है 2 अल्फा, मतलब अल्फा इधर और अल्फा इधर, ठीक है ना। तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, ठीक है। अब पुट करता हूं वैल्यूज, देखो ये डी क्या था, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू कितना था, ये लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटीग्रेशन, सही है, एक आर से एक आर जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर मैं बाहर ले लेता हूं, के लैम्डा बाई आर अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना अपने को, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहां लिमिट चल रहा होगा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट पुट करते हैं कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आएगा टू साइन अल्फा, तो आंसर आएगा टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया E नेट का, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन में दिख रहा है किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो कि अगर ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग होता है ऐसा, जो कि पिछला प्रॉब्लम में उठाया था, उसमें अल्फा कितना हो जाएगा 90, अगर आप अल्फा 90 रख के देखोगे तो साइन 90 कितना हो जाता है 1, आंसर कितना आएगा 2 के लैम्डा बाई आर, ये हमने प्रूफ भी किया था। आपके सामने अगर क्वेश्चन आए कि हमारे पास जो सर्कुलर आर्क है वो क्वार्टर है, 1/4 है ना, क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है, तो अल्फा कितना जाएगा 45, सपोज मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्वार्टर पार्ट हो गया सर्कल का, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे ये वाली जो लाइन है सिमेट्रिक लाइन होगी, ये अल्फा, तो अल्फा कितना 45, इसमें आप रख के देखोगे तो कितना निकल के आएगा साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, और 1/√2 रखोगे तो ये 2 से जाएगा √2, तो √2 टाइम्स आएगा, तो आंसर आएगा √2 के लैम्डा बाई आर। अभी नोट करिए ये वाली बात को, मैं अभी फिर से बता दूंगा। तो अभी तक हमने देखा कि जो सर्कुलर आर्क था जो सेंटर पर टोटल एंगल 2 अल्फा बना रहा था, सिमेट्रिक वाली लाइन से हर एक साइड पर एंगल कितना है अल्फा और अल्फा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर कितना आया था मैग्नीट्यूड वाइज 2 के लैम्डा बाई आर, और इसका लेंथ कितना है, रेडियस कितना आर है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, सही है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सिमेट्रिक लाइन के अलावा होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ, ऊपर की तरफ, सही है। इधर देखिए स्पेशल केस है ये,
अगर टोटल एंगल जो है 2 अल्फा वो 90 दिख रहा है यहां पे, है ना, तो सिमेट्रिक लाइन वाली मिलेगी अपने को, तो यहां से 45 बनाएगी और यहां पर भी क्या बनाएगी 45 बनाएगी। एक चीज तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस सिमेट्रिक लाइन के तरफ आएगा, ये पॉजिटिव मान लिया हमने, इसकी तरफ आया। अब एक चीज देखो, जो इसका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है किसी का, वो दो वेक्टर इधर और इधर का रिजल्टेंट है। मैंने बताया होगा आपको कि कोई सा वेक्टर हो दुनिया में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका, इस वाले का दो रिजोल्यूशन इधर दिख गया हमें, इधर और इधर, ठीक है। अगर कभी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी एक से 45 बनाए, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला कंपोनेंट, मैंने इसको ex बोल दिया, ये कंपोनेंट ey बोल दिया, जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएं, तो ही 45 का एंगल बनाएगा, सही है ना। तो यहां से चीज मिला जानने को हमें कि ex का जो मैग्नीट्यूड है, ex का जो मैग्नीट्यूड है वो ey के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अल्फा बराबर 45 रखने पर, वो निकल गया था, इसमें रख के देखो आप, तो कितना निकल के आएगा, अल्फा 45 ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r sin 45 1 बाई रूट 2 होता है, तो आंसर आएगा रूट 2k लैम्डा बाई r, सही है ना। तो रूट 2k लैम्डा बाई r इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब अब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैं e0 लिख दूं अगर, तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो e0 का स्क्वायर प्लस e0 का स्क्वायर का जो अंडर रूट है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर आएगा रूट टू के लैम्डा बाई आर के बराबर आएगा। तो ये कितना लिखोगे आप, रूट टू ई नॉट रूट टू के लैम्डा बाई आर, रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना आया, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस मिले 90 वाला हमें, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इधर और के लैम्डा बाई आर इधर, है ना, क्लियर। अगर मान लो कि मैं अगर ऐसे नेगेटिव वाला बना देता, तो बिना सोचे समझे मैं क्या बोलूंगा, ये नेगेटिव लैम्डा था ये, तो पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 45 वाले एंगल पर आएगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों का वैल्यू कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, सही है ना। आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, क्लियर, नोट कर लीजिए।